सभी के सामने अपना सॉन्ग होगा। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश, प्लीज स्टार्ट, जय श्री गणेश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रतन जी, आरती सिंह राजौत, गुड मॉर्निंग। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, ऑल द वेरी बेस्ट जी, थैंक यू सो मच स्नेहा शकुन, जय श्री गणेश, आरती सिंह राजौत, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच राइट दी ऑफिशियल राजस्थानी चेतन गणी खमा सा गणी खमा। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग जाने नु कट के तू, लव यू सो मच दी, गुड मॉर्निंग रतन चौहान शकुन। बिना की बेहाल मेरा मेरे छोड़ो हो गया है सॉन्ग है। हाँ साहब बिल्कुल मधु कश्यप जी, फिकर सॉन्ग एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और तहे दिल से अरदास है मेरी कि प्लीज देखिएगा उसको। और मतलब मैं शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, आप लोगों का अगर मन करे उसको शेयर करने का तो डेफिनेटली आप लोग करिएगा, बट मैं खुद ऐसे ही नहीं कहूँगी कि उसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं बस जितना मेरे लिंक में आप लोग हैं, जितना मुझसे आप लोग अटैच है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो सॉन्ग देखिएगा और फिर अगर मन करे उसको शेयर करने का तो डेफिनेटली कीजिएगा। मैं बिल्कुल इस सॉन्ग के बारे में आपको मैं नहीं कहूँगी कि उसको शेयर करो, बाकी आप लोगों की मर्जी है देखने के बाद में। बिल्कुल बस कुछ दिन और निकलने वाला है ये, बस अब 21 आने वाला है, होप सो आने वाला साल सभी की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और सभी मतलब एक सब कुछ बहुत अच्छा हो। बहुत कुछ बुरा हुआ है इस साल में, बहुत कुछ छीना है इस साल में और बहुत ठीक है, वो तो सबका अपना है। फुल सपोर्ट जयपुर बना, थैंक यू सो मच फादर पर है दी। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने फादर से काफ़ी अटैच्ड हूँ, तो लिखा था मैंने इसको भी लिखा, मुझे काफ़ी टाइम हुआ इस सॉन्ग को लिखे भी मुझे। मेरा पूरा था माइंड सेट था मुझे कि मेरे फादर को मुझे सॉन्ग में लेना है, बट किसी इशू की वजह से, लाइक आप लोगों को जैसा पता है कि मेरे फादर थोड़े बीमार रहते हैं, तो उस वजह से वो नहीं आ पाई इस सॉन्ग में। लेकिन मेरा पूरा था कि मैं इस सॉन्ग में मेरे फादर को लूँ। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली ही इसमें होनी थी, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा ब्रदर एंड ऑल, सो बट हो नहीं पाया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बट करनी वहाँ से बहुत मेरे दिल से अरदास है कि मेरा एक सॉन्ग ऐसा हो जिसमें मेरी पूरी फैमिली हो, मेरी पूरी फैमिली से मतलब कि मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा ब्रदर। मैं बिल्कुल मैं एक दिल से एक जो निकलती है ना वो है कि हे करनी माँ सब कुछ ठीक करो जल्दी से और एक मेरे फादर मेरे साथ हो मेरे सॉन्ग में।
और ऐसे मतलब एनी टाइम मेरे पापा मेरे साथ थे, जब भी मैं शूट कर रही थी तब तो एनी टाइम उनका सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, उनका सपोर्ट ही सब कुछ है। कॉन्ग्रेचुलेशन दी फॉर न्यू सॉन्ग के लिए जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बधाइयाँ, आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआ ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग हैं तभी मैं हूँ, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। प्लीज़ बताइए आप बॉम्बे कब आओगे, जयपुर को बॉम्बे बनाना है ना, बॉम्बे को यहाँ बुलाना है, 2021 में होगा, देखते हैं। आप बहुत बेसब्री से दी, बहुत बेसब्री से इंतजार है मुझे न्यू सॉन्ग फिकर का, पूजा अरोरा जी। जी बिल्कुल, मुझे खुद को बड़ी बेसब्री से इंतजार है सॉन्ग फिकर का, और वो सॉन्ग मेरा नहीं है, वो सॉन्ग आप सभी का है, अपना समझ के उसे सुनिएगा और बताइएगा बिल्कुल कैसा लगा आप सभी को। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी है। मैं सर एवरी मंडे लाइव आती हूँ इसी चैनल पर, सर है मैम मैं एवरी मंडे लाइव आती हूँ मैं इसी आईडी पर, तो आप लोग मतलब आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ बिल्कुल। दी आपका सॉन्ग कब आ रहा है, अभी डेट आउट नहीं कर सकती हूँ मैं, बिकॉज अभी टीम से डिसाइड नहीं हुआ है डेट का कि हमें कब आउट करना है, जैसे ही हम लोगों का डिसाइड होता है मैं डेफिनेटली पोस्टर के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब अपना सॉन्ग आउट हो रहा है। बाकी पोस्टर्स तो बैक टू बैक निकल रहे हैं, हमारे लवकेश भैया की बड़ी मेहरबानी है, अभी हमारे ऊपर बड़े खुश है अभी वो हमसे, तो मतलब एक एक दिन में हमें पोस्टर बना के दे रहे हैं वो हमारी सॉन्ग का, लेकिन मैं बैक टू बैक भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज बाकी की अपडेट्स भी आपको देनी होती है। तो बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि पोस्टर्स काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक बहुत बेटर है और मुझे बड़े पसंद आए। बैटरी में रन आउट सून, बैटरी आने वाली है, क्या करूँ। बाकी लवकेश भैया, लवकेश जी काफ़ी 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 बढ़िया वर्क कर रहे हैं, मैंने भी तो काम कर लिया। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रामेश्वर जी, आप मतलब फैन वर्ड एक तो मेरे लिए यूज़ में मत लिया कीजिए, मुझे नहीं पसंद है कि आप लोग ये कहें कि मैं आपका फ़ैन हूँ या फिर जो भी है, हम एक फैमिली की तरह हैं और मैं हमेशा आप लोगों को ट्रीट भी कुछ इसी तरीके से करती हूँ। आज न्यूज़पेपर में आया है कि आपने नया टैटू करवाया, ओ भाई साहब न्यूज़पेपर में कहाँ से आ गए, ये दीपेंद्र जी वही है जो अपनी दुकान पर आता है ना, ये कितने झूठे आदमी है, टावर हो गया झूठे। न्यूज पेपर में आ गया, आगे न्यूज पेपर में फालतू की बकवास करते रहते मेरे से बैठे बैठे वहाँ पे, सीकर वाले ये नहीं सीकर आना, सीकर आना, अब देखो मैं आती हूँ सीकर, सुपर पोस्टर। माधवी जी, मेरी मम्मी ने हेलो बोला है आपको, मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम कीजिएगा, उनके धूप देना मेरी तरफ से, जय श्री करनी कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब आप लोगों के पेरेंट्स मेरा लाइव देखते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। हाथ पे नया टैटू दिखाओ रतन जी, मतलब उसको टैटू मत कहो यार, मैं वो टैटू नहीं है, वो करणी माँ है जो मेरे साथ में है अभी। हेलो गुड मॉर्निंग रतन, चीकू साक्षी जी कैसे हैं आप, मुस्कुराते जिंदगी पर बोझ वीडियो, मेरी बोझ वीडियो बनाए थे, मैं भी अच्छा लगा था जो बताओ, बस मिलना चाहते हैं आपसे, मैं भी आपकी मुस्कुराते हैं जिंदगी, मेरी भोज वीडियो बनाए थे, आप आ जाइएगा भी भैया, आके तो गए थे ना आप, तो हमारी दी हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने न्यू टैटू यार, बट आपने न्यू टैटू और टैटू मत बोल रहा है, उसको टैटू नहीं है वो, मतलब अब मतलब मैंने एक टैटू का टैटू वर्ड किसने यूज में ले लिया, अभी मेरे को सभी लाइव में टैटू 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 टैटू, मतलब लीव इट यार, छोड़ो इसको अभी, थोड़ा सा बढ़िया है बताओ, मैं बिल्कुल मैं बढ़िया करनी मेरे सरकार। मोमल कहाँ है, मोमल घर है अभी, वो ठीक है और बहुत जल्दी होंगे अभी साथ में लाइव में। मेरे पापा ने हेलो बोला है आपको, दोग दीजिएगा मेरे आप सॉरी आपके पापा को मेरी तरफ से। हाँ राइट, राम राम सा, राम राम सा। मेरी मम्मी तो आपको इतना ज्यादा पसंद करती है, फिर तो मिलना पड़ेगा मुझे आपकी मम्मी से। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी हुकम, जय श्री गणेश सा। 10:30 बजे आया करो लाइव, एक काम करेंगे ना, मैं 10 बजे लाइव आ जाऊंगी, 10:30 बजे तक लाइव रहूंगी, 10:30 बजे के बाद भी 10-15 मिनट तक मैं लाइव रहूंगी ताकि मैं आप सभी से बात कर सकूं, या फिर आपसे बात कर सकूं मैं साक्षी जी। सॉरी दी टैटू बोलने के लिए, एक तो सॉरी वर्ड और एक थैंक्स वर्ड, ये दोनों वर्ड ही ना सिर्फ मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं। दी आर के लाइफ का मतलब क्या होता है, अरे भाई साहब आज कितने 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए क्या, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, और आप आज मेरे से आर के लाइफ का मतलब पूछ रहे हो, मतलब मैंने
पूरे शरीर पे खुदवा लिया आर के लाइफ। मैंने पूरी आईडी आर के लाइफ से भर दी और आज आप मेरे से आर के लाइफ को मतलब पूछ रहे हो। वाशा वाशा वाशा। हाँ दीदू 10:30 तक आ जाना, आप लाइव मस्त रहेगा। मतलब 10:30 तक लाइव आने के बाद मस्त कैसे रहेगा मुझे समझ में नहीं आया। तेरे जैसे लाखों मिले होंगे मुझको पिया, गलत बोल दिया, मेरे जैसे लाखों तुझको मिले होंगे पिया, मुझे तो मिला तू ही। यार एक तो है ना मेरा फोन चार्ज नहीं है तो मैंने इसको चार्ज में लगा रखा है।